मऊगंज जिले में ट्रक की टक्कर से तीर्थयात्रियों से भरी बस पलट गई। सोमवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुए इस हादसे में महिला समेत 2 की मौत हो गई, 30 से ज्यादा यात्री घायल हैं। घटना शाहपुर थाना इलाके के खटखरी के पास हुई। बस से तीर्थयात्री शहडोल जिले के ब्योहारी से बनारस जा रहे थे। घायलों को अनुमना और रीवा के अस्पतालों में भेजा गया। सावन महीने के छठे सोमवार को महाकाल मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। भस्म आरती के लिए भक्त रात 12 बजे से लाइन में लग गए थे। तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। तड़के भस्म आरती में बाबा महाकाल को दूध दही घी शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन कर भस्म अर्पित की गई। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन यानी 18 अगस्त तक हल्की बूंदाबांदी का दौर रहेगा। इसके बाद पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। भोपाल के अशोका गार्डन समेत कई इलाकों में सोमवार सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है। इटारसी और विदिशा में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, इसका असर इंदौर उज्जैन संभाग में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि 2009 में राष्ट्रीय लोक दल और भाजपा गठबंधन रालोद के लिए फायदेमंद रहा था। उस दौरान रालोद ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में रालोद को कभी जीत नहीं मिली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के आरोप प्रत्यारोप के बीच जनहित के मुद्दे गायब हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप मुकदमों आदि की राजनीति से कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार आदि जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का चुनाव के समय पीछे छूट जाना कितना उचित है। हिमाचल की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के समर हिल इलाके में सचिव बावड़ी मंदिर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। यहाँ मौजूद 25 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। अब तक 2 बच्चों समेत 5 शव निकाले जा चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। ये मंदिर शिमला के उपनगर बालूगंज इलाके में है। सावन सोमवार होने की वजह से मंदिर में सुबह से भीड़ थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चांद के बाद अब सूरज की स्टडी करने की तैयारी में है। इसरो जल्द ही आदित्य एल नाम की ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। बेंगलुरु के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में बने सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर लाया गया है। इससे आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि अगर प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो पक्का जीत जाएंगी। वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। संजय राउत ने सोमवार को ये भी दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वाराणसी के अलावा रायबरेली और अमेठी सीट जीतना काफी मुश्किल है। यूक्रेन के खरसोन इलाके में रविवार को रूस की गोलाबारी से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में एक 23 दिन की बच्ची और एक परिवार के 4 लोग शामिल हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी खरसोन में नीपर नदी के किनारे बसे गांव शिरोका बालका में हुई। गोलीबारी के बाद एक 12 साल का बच्चा घायल हालत में मिला था, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हर रविवार को मुंबई स्थित अपने बंगले जलसा के बाहर फैंस से मुलाकात करने आते हैं। बिग बी ने इस परंपरा को 13 अगस्त को भी जारी रखा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में अमिताभ अपने प्रशंसकों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आए।